हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 5 अपकमिंग बाइक्स के बारे में। दोस्तों, लास्ट अपकमिंग बाइक्स की वीडियो में हमने बात की थी स्मॉल सेगमेंट की बाइक्स के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे हायर सेगमेंट की बाइक्स के बारे में। सो अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बेस्ट 5 अपकमिंग बाइक्स की लिस्ट में सबसे पहली बाइक है होंडा CBR 500R। दोस्तों, होंडा ने रिसेंटली ही ये कंफर्म किया था कि वो 500cc सेगमेंट की बाइक्स को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, और होंडा की 500cc सीरीज के अंदर सबसे फेमस बाइक है CBR 500R। दोस्तों, CBR 500R काफी अमेजिंग बाइक है, और ये बाइक एक टिपिकल फुली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है जो डिजाइन और स्टाइल के मामले में बहुत ही अच्छी बाइक है, क्योंकि दोस्तों इस बाइक के लुक्स बहुत अच्छे हैं और ये बाइक दिखने में बिल्कुल CBR 650R के जैसी लगती है। दोस्तों, इस बाइक के लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है नवंबर 2020, और एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 5 लाख। टेक्निकल चीजों के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 471cc का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 47.5 PS की एट 8600 RPM। मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 47 Nm का एट 6500 RPM। इस बाइक के अंदर 6-speed ट्रांसमिशन है और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है। सो दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक काफी पावरफुल मशीन है, और इस बाइक की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट लो RPM पे ही मिल जाती है, जो इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है 17.1 लीटर की, वेट है 192 kg, और सीट हाइट है 785 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 130 mm। दोस्तों, इस बाइक का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फ्यूल कैपेसिटी भी तो ज्यादा मिल रही है, और इस बाइक की सीट हाइट भी काफी सही है। इस बाइक की बॉडी के बारे में अगर बात करें तो ये बाइक डायमंड फ्रेम पे बेस्ड है, जिसके अंदर कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है, और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। दोस्तों, यहाँ पे होंडा ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि इस बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स नहीं है। अगर इस बाइक के अंदर USD फोक्स होते तो थोड़ा बेटर होता। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में 320mm की फ्रंट डिस्क है विद 4 piston calipers, और 240mm की रियर डिस्क है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। दोस्तों, टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 120/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 160/60 सेक्शन का रियर टायर है। दोस्तों, CBR 500R की टॉप स्पीड है 190 km/h, और इस बाइक की माइलेज है 20-25 kmpl। सो दोस्तों, ये थी नंबर 1 पे होंडा CBR 500R, जो बहुत ही अच्छी दिखने वाली स्टाइलिश बाइक है, और ये बाइक 2020 के एंड तक इंडिया में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड बाइक भी होंडा की तरफ से है, जो है होंडा CB 500F। दोस्तों, ये बाइक होंडा की तरफ से एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर मशीन है, जो CBR 500R का नेकेड वर्जन है। इस बाइक का भी एक्सपेक्टेड लॉन्च है नवंबर 2020, और एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 4,80,000। दोस्तों, होंडा ने CB 500F को 2013 में लॉन्च किया था, लेकिन इंडिया में अभी तक ये बाइक नहीं आई है। दोस्तों, डिजाइन और लुक्स के मामले में ये बाइक भी काफी अच्छी है। स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो ये बाइक CBR 500R के साथ इंजन शेयर करती है, जो कि 471cc का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है। इस बाइक की भी मैक्सिमम पावर है 47.3 PS, और मैक्सिमम टॉर्क है 43 Nm। इस बाइक के अंदर भी 6-speed ट्रांसमिशन है और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। दोस्तों, डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का वेट है 190 kg, फ्यूल कैपेसिटी है 17 लीटर्स की, और सीट हाइट है 785 mm। सो दोस्तों, CBR 500R के जैसे ही इस बाइक का वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इस बाइक के अंदर भी फ्यूल कैपेसिटी काफी अच्छी है, और इस बाइक की भी सीट हाइट काफी सही है, जो कि शॉर्ट राइडर्स और लॉन्ग राइडर्स दोनों के लिए कंफर्टेबल है। CB 500F भी डायमंड फ्रेम पे बेस्ड है, और इस बाइक के अंदर भी कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। दोस्तों, ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर भी 320mm की फ्रंट डिस्क है विद 4 piston calipers, और 240mm की रियर डिस्क है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर, और साथ में ड्यूअल चैनल ABS भी है। टायर्स की अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 120/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 160/60 सेक्शन का रियर टायर है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर फुल LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है, LED इंडिकेटर्स हैं,
और TFT डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। दोस्तों होंडा CB500F की टॉप स्पीड है 190 किलोमीटर पर आवर और इस बाइक की माइलेज है 20-25 KMPL। तो दोस्तों ये थी सेकंड नंबर पे होंडा CB500F जो कि एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है और ये बाइक भी 2020 के एंड तक लॉन्च होने वाली है। दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। थर्ड नंबर पे है CFMOTO 300SR। दोस्तों CFMOTO की तरफ से 300SR एक फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है और इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है नवंबर 2020 और एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 2,80,000। दोस्तों इस बाइक के भी लुक्स और डिजाइन काफी अच्छी हैं क्योंकि इस बाइक के अंदर एरोडायनेमिक एग्रेसिव डिजाइनिंग है। टेक्निकल चीजों के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 292cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 29.09 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 25.3 Nm का विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन एंड असिस्टेंट स्लीपर क्लच। दोस्तों इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बाइक के अंदर भी फुल LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है, LED इंडिकेटर्स हैं और TFT डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 37mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस बाइक में 292mm की फ्रंट डिस्क है, 220mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। डायमेंशन की अगर बात करें तो इस बाइक का वेट है 165 kg। सो अपनी सेगमेंट के अंदर ये काफी अच्छी बाइक है जिसका पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छा है। फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की, ग्राउंड क्लीयरेंस है 135mm। दोस्तों ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में डायरेक्टली कम्पीट करेगी TVS Apache RR 310 के साथ, KTM RC 390 के साथ। दोस्तों इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी है और इस बाइक के कंसोल की लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि इस बाइक के कंसोल के लेआउट के टू ऑप्शन हैं जिसमें फर्स्ट है स्पोर्ट्स मोड और सेकंड है रेन मोड। CFMOTO 300SR की टॉप स्पीड है 170 किलोमीटर पर आवर और इस बाइक की माइलेज है 30-35 KMPL। सो दोस्तों ये थी थर्ड नंबर पे CFMOTO 300SR। ये बाइक भी 2020 के एंड तक लॉन्च होने वाली है। अब हम बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। दोस्तों फोर्थ नंबर पे है यमहा YZF R3। दोस्तों यमहा ने R3 को रिसेंटली ही डिसकंटिन्यू किया है क्योंकि करंटली इस बाइक के अंदर BS4 इंजन है लेकिन इस बाइक के 2020 मॉडल के अंदर BS6 कंप्लायंट इंजन होगा। यमहा R3 अपनी सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है और इस बाइक के भी लुक्स और डिजाइन काफी अच्छे हैं। दोस्तों यमहा ने इस बाइक के 2020 मॉडल के अंदर काफी सारे फीचर्स को अपग्रेड किया है। दोस्तों यमहा R3 के न्यू मॉडल को 2020 के एंड तक या फिर 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च कर सकती है। इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 3,70,000। R3 के न्यू मॉडल के अंदर BS6 कंप्लायंट इंजन के साथ साथ न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 321cc का लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन होगा जो मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 42 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 29 Nm का विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन एंड असिस्टेंट स्लीपर क्लच। दोस्तों इस बाइक की BS6 वेरिएंट की इंजन ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट होगी जिसकी वजह से इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट में कुछ माइनर चेंज हो सकते हैं। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 37mm के KYB अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो R3 के अंदर 298mm की फ्रंट डिस्क है, 220mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। डायमेंशंस की अगर बात करें तो इस बाइक का वेट है 173 kg। सो ये बाइक भी अपनी सेगमेंट के अंदर काफी लाइट वेट मशीन है जिसका पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है। इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है 14 लीटर्स की, सीट हाइट है 780mm। दोस्तों इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो यमहा R3 के अंदर फुल LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। दोस्तों यमहा R3 की टॉप स्पीड है 190 किलोमीटर पर आवर और इस बाइक की माइलेज है 25-30 KMPL। सो दोस्तों ये थी फोर्थ नंबर पे यमहा YZF R3। इस बाइक के BS6 2020 मॉडल के अंदर काफी सारे नए फीचर्स होंगे। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं फिफ्थ बाइक के बारे में। फिफ्थ नंबर पे है यमहा MT-03। दोस्तों यमहा MT-03 का न्यू मॉडल 2019 में इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो गया था और ये बाइक यमहा R3 का नेकेड वर्जन है जो एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। दोस्तों यमहा MT-03 का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 3,30,000 और इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है दिसंबर 2020। MT-03 मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स को R3 के साथ शेयर करती है और इस बाइक के भी लुक्स और डिजाइन काफी अच्छे हैं क्योंकि ये बाइक काफी शार्प और एग्रेसिव डिजाइन वाली नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। दोस्तों टेक्निकल चीजों के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर R3 वाला इंजन है जो कि 321cc का लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 42 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 29 Nm का। इस बाइक के अंदर भी 6-स्पीड ट्रांसमिशन है और असिस्टेंट स्लीपर क्लच है जिसकी वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस भी अपनी सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी है। दोस्तों यमहा MT-03 के अंदर MT सीरीज से इंस्पायर्ड फुल LED हेडलाइट है
एलईडी टेल लाइट है, एलईडी इंडिकेटर्स हैं और फुली डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर R3 से सिमिलर 37mm के KYB अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस बाइक में 298mm की फ्रंट डिस्क है, 220mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। दोस्तों यमहा की MT-03 इंडियन टूलर मार्केट में डायरेक्टली कम्पीट करेगी KTM ड्यूक 390 के साथ, BMW G310R के साथ और होंडा CB300R के साथ। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो MT-03 का वेट है 168 kg। सो ये बाइक भी अपनी सेगमेंट के अंदर काफ़ी लाइट वेट मशीन है जिसकी वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है। MT-03 की फ्यूल कैपेसिटी है 14 लीटर्स की और सीट हाइट है 780mm। दोस्तों MT-03 की टॉप स्पीड है 190 km/h और इस बाइक की माइलेज है 25-30 km/l। सो दोस्तों ये थी फिफ्थ नंबर पे यामाहा MT-03। दोस्तों ये बाइक भी अपनी सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है। सो दोस्तों ये थी बेस्ट 5 अपकमिंग बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।